दोस्तों आईपीएल 2022 में अब तक का शायद सबसे रोमांचक रन चेज करने को मिला गुजरात टाइटंस और हैदराबाद के बीच खेले गए दिल दहला देने वाले मैच में। आपको बता दें गुजरात टाइटंस की हार लगभग पक्की दिख रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद न पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बात सनराइजर्स और गुजरात के बीच खेले इस मैच पर बिल्कुल सटीक बैठती है। देखिए गुजरात टाइटंस ने 196 रन का चेज करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। इसके साथ उसने पहले मैच में सनराइजर्स से मिली हार का बदला भी ले लिया। दरअसल ये दोनों टीमों की इस टूर्नामेंट में दूसरी भिड़ंत थी। गुजरात टाइटंस के लिए आखिरी के ओवर में राहुल तेवतिया और राशिद खान ने मैच का गियर बदला। दोनों ने बेखौफ बल्लेबाजी करते हुए टीम की जीत की स्क्रिप्ट लिखी और सनराइजर्स के गेंदबाज उमरान मलिक के 5 विकेटों पर पानी भी फेरा। सनराइजर्स को हराने का असर पॉइंट टेबल में गुजरात की स्थिति पर भी हुआ है। अब वो फिर से टूर्नामेंट में नंबर 1 टीम बन गई है। ने राजस्थान रॉयल्स को दूसरे स्थान पर ढकेल कर फिर से अपनी खोई बादशाहत हासिल कर ली है। खैर लौटते हैं मुकाबले पर और बात करते हैं उस रन चेज की जो गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ की है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, खासकर गुजरात के उन दो बल्लेबाजों का जिन्होंने ऐसा करके दिखाया है। हालांकि मैच का रुख पलटना राहुल तेवतिया की पुरानी आदत रही है और वही काम उन्होंने किया, जिसमें उन्हें अफगानी पठान राशिद खान का भी पूरा साथ मिला। दोस्तों 196 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस को आखिरी दो ओवर में 35 रन बनाने हैं, जिसकी ओर से गेंदबाज थे डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट टी नटराजन, लेकिन उनकी काबिलियत से पार पाते हुए 19वें ओवर में राहुल तेवतिया ने अपना लोहा खूब मनवाया। तेवतिया और राशिद ने मिलकर 19वें ओवर में 13 रन लूटे। अब आखिरी ओवर में गुजरात को जीत के लिए 22 रन बनाने थे। तेवतिया ने मार्को यांसन की पहली गेंद पर छक्का लगाया जो गेम ऑन हो गया। दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक राशिद को दी, जिन्होंने बाकी बची 4 गेंदों पर 3 छक्के जड़कर गुजरात टाइटंस की झोली में जीत डाल दी। दोस्तों तेवतिया और राशिद खान का आखिर के दो ओवरों में लगाया ये जोर उमरान मलिक के पहली बार 5 विकेट लेने वाले कमाल पर भारी पड़ गया। हालांकि इसके बाद भी प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब उन्हें भी मिला। इससे पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 195 रन बनाने थे। सनराइजर्स की ओर से अभिषेक शर्मा ने 65 रन, एडन मार्करम ने 56 रन, जबकि आखिर के ओवरों में शशांक सिंह ने सिर्फ 6 गेंदों में 25 रन ठोके थे, लेकिन अंततः जीत गुजरात को ही नसीब हुई। तो दोस्तों आपको ये रोमांचक मुकाबला कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।